हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस जिनको ऑफर लेटर जनरेट हो चुका है डीएक्सी टेक्नोलॉजी के थ्रू। और आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर जिनका रिक्वेस्ट बहुत सारा है कि सर आप हमें बताएं कि वर्कडे प्रोफाइल पे कैसे हमें सारी चीज़ों को फिल करना होगा, क्या 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 प्रोसेस होने वाला है। तो सारी चीज़ें हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइज। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट किया करो। जो भी आपको डाउट आते हैं तो मैं आपको उसी तरीके से वीडियोज़ बना के आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़ होती है ना मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर लेट तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या मेल है ऑफर लेटर में, क्या क्या कंटेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा मेल है जो कि एक स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया था मेरे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएक्सी टेक्नोलॉजी वर्कडे प्रोफाइल क्रिएशन एंड गूगल फॉर सबमिशन सीनियर असिस्टेंट सर्विस डिलीवरी कोऑर्डिनेटर, जो कि ये पोजीशन है जॉब की। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो मेल है वो आज ही आया हुआ है, मतलब कि 2 अगस्त 2022, ओके 2:21 पे आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस बंदे को कांग्रेचुलेशंस मेल आया है, जो भी उसका हायरिंग प्रोसेस था उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर लिया है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन ऑर्डर टू ऑनबोर्ड यू वी विल असाइन अ सेट ऑफ एक्शंस, यू प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इनबॉक्स फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्लीट द नेसेसरी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज ऑन द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है इस बंदे का जो ज्वाइनिंग डेट है वो 19 अगस्त 2022 को है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ये बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें जानते हैं कि हमें किस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो यहीं पे आपको मेंशन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टास्क है, जो पहली प्रायोरिटी टास्क है, तो आपको सबसे पहले आपको वर्कडे प्रोफाइल को क्रिएट करना होगा। ये आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए, इसमें आप लेट ना करिएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड में होता है कि आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ये मेल में दिया हुआ है नीचे, वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। आप बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना यार, आप लोग की जॉब लगे मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई यार आप लोग को। और यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको लैपटॉप जहाँ पे आपका डिलीवर होगा वहाँ पे आपको सारी चीजें देनी होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन एज पर इंस्ट्रक्शंस, ओके। तो इसमें आपको सारी चीज इसमें करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा मेल का। ठीक है, जो आपका एफएडीवी होता है, एफएडीवी मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टास्क है, ठीक है, फर्स्ट टास्क जो है यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन ऑनलाइन पोर्टल वर्कडे एंड अप्लाई जॉब आईडी। तो यहाँ पे आपको ना जॉब आईडी मेंशन होगा, सबका अपना अपना जॉब आईडी होता है। ठीक है, उसके नीचे आपका मेंशन होता है, तो उस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा और उस जॉब आईडी को कॉपी करना है। और तो उसके बाद यहाँ पे वर्कडे लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करना, या फिर आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस पे भी आप क्लिक करके डायरेक्ट वर्कडे प्रोफाइल पे आप जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस करना है वो चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं वर्कडे के प्रोफाइल पे, और पहले तो हम जानते हैं कैसे प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है, उसमें किस तरीके से चीजें। जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पे जंप हो जाओगे। ठीक है, इस तरीके की वेबसाइट जो कि डीएक्सी टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप जंप कर जाओगे। उसके बाद यहाँ पे माई एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करना और ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्कडे का प्रोफाइल नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल बनाना होगा। ठीक है, अगर आपने पहले से बना रखा है तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना होगा। ठीक है, सिंपली साइन इन कर देना होगा। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्क्रैच। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम ईमेल आईडी डाल देते हैं, ऋतिक ऑफिशियल, आई एम ऋतिक ऑफिशियल @gmail.com। ठीक है, ये आपका हो गया। और उसके बाद पासवर्ड दे देना है, जो भी आपका पासवर्ड है, ओके, एंड पासवर्ड रिपीट करना है पासवर्ड। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका प्रोफाइल बन गया, क्रिएट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया। तो यहाँ पे जब आप सर्च करोगे ना, उस जॉब आईडी को सर्च करोगे, तो ये आपका कैंडिडेट होम हो गया। जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको आपका यहाँ पे दिख जाएगा सारी चीज। तो ये अभी तो यहाँ पे आपका क्लीन दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आप उस जॉब आईडी को सर्च करोगे, कहाँ सर्च करना है, सर्च फॉर जॉब या फिर यहाँ पे सर्च फॉर जॉब्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको पेज ओपन करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जॉब आईडी यहाँ पे सर्च कर लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी जॉब आईडी डालिएगा और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप उस जॉब आईडी को सर्च करके यहाँ पे फिल करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का आपको मिल जाएगा। इस पे जस्ट क्लिक करना और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैन्युअली कर सकते हो, रिज्यूमे के थ्रू कर सकते हो, और आप लिंक्डइन के भी थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो आप अप्लाई मैन्युअली करना, उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पे जंप हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन लाइक आपने कहाँ से सुना, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, आप मेरा भी नाम मेंशन कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉइज वगैरह, क्योंकि मैं वहाँ पे करंटली काम कर रहा हूँ तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना होगा, फैमिली नेम और लास्ट नेम दोनों सेम होता है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे लोकल फैमिली नेम देना होगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना होगा, एड्रेस देना होगा अपना, जो भी एक्चुअल चीजें हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करके देना होगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आप मेंशन करो, और यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं लाइक आप सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे, रिव्यू करके सबमिट कर देना होता है, ठीक है। सबमिट कर देंगे बस आपको उस तरीके की चीजें हो जाएंगी, मीन्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा, आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये चीज चेक करते रहना होगा जब वो ऑफर लेटर भेजेंगे, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से भरना होगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक आपने कहाँ से इस जॉब के बारे में सुना, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रीवियस वर्क किए हो नहीं किए हो तो नो करना। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना, लास्ट नेम देना, ठीक है। और आप अपना सिटी और अपना एड्रेस जो भी है वो देना, और अपना जो भी पोस्टल आईडी है 2124 जो भी है वो अपना डाल देना, XYZ, ठीक है। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देना जो भी है, ठीक है। करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके ओके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना। और उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है कोई चीज का तो फिर यहाँ पे आप एक्सपीरियंस दे सकते हो, नहीं तो एजुकेशन अपना फिल कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन में अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हो, कौन सा डिग्री कर रहे हो, मतलब आप कंप्यूटर साइंस से हो तो कंप्यूटर साइंस, या फिर बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिप्लोमा, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, मीन्स कंप्यूटर साइंस है कंप्यूटर साइंस डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच हैं तो आपको एक बार सर्च करना होगा लाइक ऐसे कंप्यूटर साइंस, ओके यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो तो वो डाल देना। और जो भी आपका CGPA हो 7.9, उसके बाद कब से कब तक आपने किया है, 2019 से 2022 तक, ओके। यहाँ पे अपने रेज्यूमे को अपलोड कर देना जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे रेज्यूमे में अपलोड करना, सेव एंड कंटिन्यू करना। उसके बाद आपका वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर में सेव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमको, चलो कोई भी हम चीज अपलोड कर देते हैं लाइक एज एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल अपलोड कर दिया है, ठीक है। ऐसा आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, सेम ऐसे ही प्रोसेस करना होता है। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ पॉलिसीज को एक्सेप्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है सारी चीजें यहाँ पे क्या कर देना होगा, सबमिट कर देना होगा, ठीक है। बस यही चीज है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है, काफी सिंपल है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और उसके बाद यहाँ पे ना आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर हम टास्क टू की बात करें, टास्क टू में क्या करना होगा, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिला है, गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे जब हम तो हमें एक फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आपका क्या है, DXC टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर वर्चुअल ऑनबोर्डिंग लैपटॉप डिलीवरी, जो आपका डिलीवरी करने के लिए जो लैपटॉप जहाँ पे आपका डिलीवर होगा, जो भी किट आएगा, लैपटॉप हेडफोन काफी चीजें आती हैं, तो काफी अच्छा लगेगा आपको देख के, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी देना होगा, और ये जो वर्कडे प्रोफाइल आपने बनाया है जिस आईडी से उसका ईमेल आईडी देना होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। अपना जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, डिग्री, ब्रांच, डिपार्टमेंट, मीन बाकी चीजें जो है आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। एक भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ मॉन्डेटरी है, ठीक है। आपका नियरेस्ट लैंडमार्क क्या होने वाला है, अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो आप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर कमेंट करना है कोई भी चीज़ तो आप वहाँ पे चीजें दे सकते हो, ठीक है। तो यही चीज था आपको बताना था इस वीडियो में, और बाकी काफी सही है ये पोजीशन, आप लोग इसे मिस ना करिएगा, काफी अच्छा पोजीशन होने वाला है। और कुछ लोगों का क्वेरीज था कि ये टेक्निकल होगा नॉन टेक्निकल होगा, तो ये बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आपका टेक्निकल में हो गया और अच्छा है, यहाँ पे ज्यादातर क्लाउड पे काम होता है, सपोर्ट करते हैं क्लाउड को, ठीक है। एमएनसीज कंपनियां आती हैं सपोर्ट के लिए तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, क्लाउड से रिलेटेड हो गया, और सैप वगैरह पे काम किया जाता है, डेटाबेस पे काम किया जाता है, तो काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे आपको। बहुत ही अच्छा कंपनी है, यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट होता है, और चीजें काफी फ्रेंडली रहती हैं, यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है। प्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल प्रेशर नहीं है क्योंकि 1.5-2 साल आपको सिर्फ सीखना है, वो पढ़ने के लिए बोल देंगे आपको, और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फुली टेक्निकल होगा, यहाँ पे कोई भी कॉलिंग वगैरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे BPO टाइप का कोई वर्क नहीं होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको ग्रैब करें जल्द से जल्द, और हमको सपोर्ट करते रहें। और बाकी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस होंगी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड, मैंने प्रीवियस वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, आप लोग उसको जाके चेकआउट करिएगा। मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे हमारे जुड़ जाना, वहां पे हम ये वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।